अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और आज के इस YTG के निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस सेशन में मैं कीर्ति अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और कल हमने एक एनालिसिस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आप सभी को याद होगा, आपने कल की वीडियो देखी होगी। इन लेवल्स की हमने बात की थी और हमने डिस्कस किया था कि बाज़ार में तेज़ी है और ये बाज़ार जाते जाते स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देखे गया है, स्ट्रॉन्ग जोन से बाउंस बैक आया है और अभी तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। और ये लेवल्स हमने प्रेडिक्ट किए थे रेजिस्टेंस जोन जहां से मार्केट का हम टारगेट देख रहे थे। तो आप देखिए आज बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने अपना टारगेट हिट किया और एक बहुत शानदार रैली आई है। YTG के सभी स्टूडेंट्स ने, सब जिन्होंने YTG की इंडेक्स मास्टर क्लास प्रोग्राम ज्वाइन किया है, उन्होंने आज बहुत अच्छा मुनाफा बुक किया। तो आप सभी को, सभी व्यूअर्स को भी आज के इस प्रॉफिट की बहुत सारी मुबारकबाद। और आज हम शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस सेशन। तो एनालिसिस सेशन शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि 23 मई को इलेक्शन रिजल्ट के दिन हम लोग मॉर्निंग 9 o'clock से 3:30 तक लाइव रहेंगे और लाइव एनालिसिस करके मार्केट में पोजीशंस लेंगे। तो जो भी ट्रेडर्स, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ काम करना चाहते हैं फुल डे और इस 5 साल में एक बार आने वाली अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करके। आप हमारी वेबसाइट www.yourtradingguide.com पे जाएं और इसमें ऑनलाइन कोर्सेज टैब पे क्लिक करेंगे तो ये कोर्सेज पेज ओपन होगा और इसमें आप इंडेक्स मास्टर क्लास या स्टॉक्स मास्टर क्लास प्रोग्राम के लिए जैसे ही पे करते हैं आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। और अभी के जो 5 दिन हैं इसमें आप अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके और बिल्कुल हमारे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं 23 मई को। तो ये अपॉर्चुनिटी को एनकैश करना मत भूलिए क्योंकि ये 5 साल में एक दिन आता है जिस दिन बाज़ार में बहुत अच्छी मूवमेंट रहती है और ज़रूर बहुत अच्छी मूवमेंट इस बार भी देखने को मिलेगी और सभी ट्रेडर्स अच्छे से इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करेंगे। तो चलिए अभी हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी ने एक अच्छा बाउंस बैक दिया। अब क्या करना है इस बाज़ार में, क्या ये जो तेज़ी है ये बरकरार रहेगी या यहाँ से जो एक तेज़ी आई है वो कंप्लीट हो गई है और यहाँ से गिरावट आनी चाहिए। तो आज के दिन का जो क्लोज़ हुआ है आप देख सकते हैं निफ्टी स्पॉट का ये चार्ट है, निफ्टी स्पॉट आज के दिन बंद हुई है 11,407 पे। तो आज का यदि हम प्राइस एक्शन स्टडी करें तो इसके लिए जो लेवल्स निकल के आए हैं वो ये लेवल से, देखिए मैंने ऑलरेडी मार्क किया है ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो अगले हफ्ते के लिए स्पेशली मंडे और ट्यूसडे, 2 दिनों की हम बात करें और फिलहाल तो हम मंडे की सिर्फ बात कर रहे हैं, जिस दिन एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे तो मंडे के दिन ये लेवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, 11,494 से लेके 11,582 का। अब ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे निफ्टी इस तेज़ी को कंटिन्यू करते हुए आती है और आपको अगर शॉर्ट एंट्री देती है, जो शॉर्ट सेटअप्स हैं, जो एक सेल सिग्नल है वो देती है तो यहाँ से फिर हम बिकवाली के लिए सोचेंगे। फिलहाल तेज़ी जो है क्लोजिंग जो है वीक की वो अच्छी हुई है और हो सकता है कि मंडे के सेशन में भी थोड़ा तेज़ी देखने को मिले गिरावट के पहले की। तो ये जो तेज़ी है ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 11,580 का ये जो लेवल है यहाँ तक तेज़ी बरकरार रहनी चाहिए। और नीचे जो सपोर्ट एरिया है ये 11,320 से लेके 11,232 का है। ये सारे लेवल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जोन है, अगर यहाँ पे पहले आती है, सपोज़ पहले गिरावट आती है बाज़ार में, प्राइजेस इस जोन में आती हैं तो पहले हम ख़रीदारी करेंगे और अगर प्राइस पहले अपर जोन को टच करती है तो फिर हम पहले बिकवाली की स्ट्रैटेजीज पे काम करेंगे।
सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में देखें तो देखिए इस ये जो जोन आया है इसका नीचे में 28,890 से लेके 29,166 का जोन है, और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो 29,734 से 30,019 तक का है। तो इंटरेस्टिंग बात ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी में कि यदि पहले तेजी आएगी तो हो सकता है उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहेगा। वो जो तेजी आएगी उस पर जिन्होंने खरीदारी की है वो उस पर बुकिंग करके और कैश में बैठना पसंद करेंगे, और अगर पहले गिरावट आ जाती है तो उस केस में फिर हम अच्छे लेवल्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो ये दो बातें हैं। और ठीक है, तो और निफ्टी और बैंक निफ्टी हमने दोनों का चार्ट भी देखा कि किस तरीके से आई है, और आज की आप एक बार वीकली कैंडल देखना नहीं भूलें। वीकली कैंडल एकदम मजबूत कैंडल बनी है इतने दिन के कंसोलिडेशन और गिरावट के बाद। कल भी याद हो तो हमने वीडियो में बात की थी कि ये ऐसे सेशंस जनरली अपने हाइस पे बंद होते हैं, और हमने ये कैंडल्स का आपको एग्जाम्पल भी बताया था। तो प्राइस एक्शन काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, और इस पर पैसा बनाया जा सकता है। तो गाइज आप 23 मई की अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करें, ज़रूर कोर्स ज्वाइन करके और उस दिन हमारे साथ लाइव ट्रेड करें। कोर्स ज्वाइन करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी है, और जो भी मेरे फ्रेंड्स फायर्स का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, एंड जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट करके हमें बताएं, और स्टे ट्यून्ड विद योर ट्रेडिंग गाइड। थैंक यू गाइज़।